Welcome to today's video and welcome to our YouTube channel. Hope you're doing good, guys. I'm back with another kurti haul video and आज का video होने वाला है चिकनकारी कुर्तीज. मैं आज आपके साथ इतने सारे चिकनकारी कुर्तीज share करने वाली हूँ जो कि मैंने बहुत ही different color और design पे मंगाई है. लास्ट के क्लास वीडियो में मैंने एक चिकनकारी कुर्ती सूट्स आपको दिखाई थी जो कि मैंने मिंत्रा से ली थी एंड वो सादगी ब्रांड की थी. सो वो हॉल देखने के बाद आप बहुत सारे लोगों की कमेंट आई कि दी आप ये बहुत महंगा ले लिए हो एंड सेम चिकनकारी कुर्ती आपको मीशो ऐप पे 850 रुपए की मिलेगी. कुछ लोगों की कॉमेंट देखने के बाद मैंने मीशो ऐप पे चेक करा तो सेम पैटर्न की कुर्ती भी दुपट्टा 850 रुपए में ही मिल रही थी. मुझे बहुत ज्यादा चीप लगी एंड मिंत्रा से मैंने 2400 रुपीज मिली है एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे लगा कि लाइक इतना महंगा मिंत्रा बेच रहे हैं और दूसरे ऐप पे आपको इतनी सस्ती मिल रही है. इससे पहले मैंने कभी मीशो ऐप से शॉपिंग नहीं की थी. ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा. सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी. मीशो ऐप से मेरी एक्सपीरियंस शॉपिंग करने की ये रही गाइस. मैंने हर तरह के कुर्ती सेट को ऐड करा. लाइक बहुत सारे डिजाइन के कुर्तीज मैंने मंगाई. डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न. लाइक कुछ फ्रॉक में, कुछ डिफरेंट वर्क में, कुछ स्लिप्स के साथ, कुछ प्लाजो के साथ कुछ सेट्स मैंने मंगाए. तो मैंने बहुत सारे मंगा लिए एंड क्योंकि मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस थी तो मुझे उस टाइम जब तक मुझे पार्सल रिसीव नहीं हुई थी तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि प्राइजेस जो है वो क्वालिटी में कितनी फर्क होती है. लाइक कुछ कुर्तीज 500 की, कुछ 800 की है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है. तो इस वजह से मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे ऐड करा है. पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्राइस आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी. तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि माइट भी प्राइस इतनी किसी की कम और ज़्यादा, सेम कुर्ती की कम और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसके मटेरियल में फ़र्क होगा या डिज़ाइन में कुछ फ़र्क होगा इसलिए है. बट जब मुझे सारी कुर्तीज़ रिसीव हो गई तो मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि मटेरियल का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. सिर्फ रीसेलर की प्राइजेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा किसी की कम एंड किसी की ज़्यादा होती हैं. सो अगर एक कुर्ती आपको पसंद है और वो कुर्ती आपको सपोज 600 की मिल रही है बट आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे वो 1000 की भी मिलेगी, तो मेरी तरह ये नहीं समझे कि लाइक बहुत महंगी महंगी वाली की मटेरियल अच्छी होगी या सस्ते वाली की खराब होगी. दोनों की इक्वल मटेरियल है. सो आपको अगर एक ही कुर्ती दो तीन डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में मिल रही है तो आप मेक श्योर करें कि जो सबसे सस्ती है आप उसी को बाय करें. एंड सेकंड चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, मैंने कुछ ड्रेस कुछ कुर्तीज़ विथ इनर मंगाए, कुछ विदाउट इनर मंगाए. बट फ़ायदा इसी में है कि आप विथ इनर ही कुर्तीज़ मंगाएं क्योंकि 700 की या 600 की आपको सिंगल कुर्ती मिल रही है और विथ इनर के साथ आपको वो 850 इस प्राइस में मिल रही है. तो मेक श्योर करें कि इनर के साथ ही आप मंगाएं क्योंकि मैंने मार्केट से इनर खरीदी तो मुझे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग ही गए. तो वो 100 रुपीज़ बेटर था कि मैं मीशो में ही पे कर देती आपको. एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस पर आपको कलर की कोई गारंटी नहीं है, साइज़ की गारंटी नहीं है और डिज़ाइन की भी गारंटी नहीं है. लाइक मैंने ऑर्डर करा कुछ डिफरेंट कलर एंड मुझे रिसीव हुआ कुछ डिफरेंट कलर एंड साइज़ मैं अगर मीडियम मंगा रही हूँ तो मुझे लार्ज मिल रही है. कहीं एक दो पे तो एक्सेल साइज़ भी उन्होंने भेज दिया तो साइज़ की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है एंड डिज़ाइन की भी गारंटी नहीं है. किसी में मैंने कुछ डिफरेंट पैटर्न के डिज़ाइन ऑर्डर करे थे एंड मुझे कुछ डिफरेंट मिल गए. बट ऐसा मेरे साथ 3 कुर्तीज़ पे हुआ है. साइज़ तो ऑलमोस्ट सब में गड़बड़ आई है, बहुत लूज साइजेस आई हैं बट पैटर्न एक में बिल्कुल ही डिफरेंट उन्होंने भेज दिया जो कि मुझे पर्सनली पसंद आई तो मैंने उसे रख लिया. बट कलर उन्होंने दो दो ऐसे कलर्स भेजे हैं जो मैंने ऑर्डर करा ही नहीं था बट वो अच्छी लग गई मुझे तो इसलिए मैंने उसे भी रख लिया. तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी. एंड जितनी भी कुर्तीज मैं आपको दिखाऊंगी उसका डायरेक्ट लिंक आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मीशो ऐप में लिंक शेयर करने की कोई भी ऑप्शन नहीं है. अगर आप शेयर पर जाते हो तो फोटो शेयर हो जाती है. बट फोटो स्क्रीनशॉट करके आप सर्च बार में इमेज डाल के भी सर्च कर सकते हैं, ये एक अच्छी ऑप्शन है. बट जितने भी प्रोडक्ट है उसकी कोड मैं आपको दे दूंगी तो वो कोड डाल के आप सर्च कर ले या फिर बेस्ट ऑप्शन है कि इमेज डाल के आप सर्च करें तो आपको डायरेक्ट वो पेज खुल जाएगा. कुर्ती इनमें से एक कुर्ती ऐसी है जो मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाई है और क्लब फैक्ट्री की भी प्राइजेस जो है वो मीशो से अगर कंपेयर करो तो दोनों की बराबर प्राइस है एंड मटेरियल भी सेम है. मुझे कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आया लाइक क्लब फैक्ट्री एंड मीशो में. सो अगर मुझे क्लब फैक्ट्री की सेम लिंक मिलती है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लें एंड डायरेक्ट वहां से भी आप बाय कर सकते हैं और आप मीशो से भी बाय कर सकते हैं क्योंकि क्वालिटी दोनों की बिल्कुल सेम है. तो यहाँ पे मैंने सारी कुर्तीज को स्टाइल करके भी दिखाया है अपने तरीके से. लाइक मैं अगर चिकनकारी वेयर करूंगी तो मैं किस तरीके से वेयर करूंगी. बारिश की वजह से बहुत अच्छे से शूटिंग नहीं हो पाई, उसमें टाइम भी बहुत लग गई और टेरेस थोड़ा सा गंदा भी है गाइस, तो प्लीज उसे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली डेली यहाँ पे सुबह शाम बारिश हो रही है एंड जैसे थोड़ी सी भी बारिश रुकी मैंने अपनी जो मेरी शूटिंग थी वो मैंने कंप्लीट करा. सो प्लीज लाइक जरूर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को एंड कमेंट में जरूर से बताना कि कौन सी कुर्ती और कौन सी कलर अच्छी लगी आपको. एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो.
सो मैं इस वीडियो स्टार्ट करती हूँ ये दोनों सूट को कंपेयर करके, जिसकी वजह से मैं मीशो ऐप में गई और ये चिकनकारी कुर्ती वीडियो मैं बना रही हूँ. सो ग्रीन वाला एंड ब्लू वाले पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ग्रीन वाले पे बहुत ही अच्छा भर भर के काम है एंड ब्लू वाले पे बहुत ही पतला महीन सा काम है. और मटेरियल की बात करूँ तो ग्रीन वाले का मटेरियल बहुत बेटर है और ब्लू वाले का मटेरियल बहुत चीप काइंड ऑफ मटेरियल है, बहुत अच्छी मटेरियल नहीं है उसकी. बट ब्लू वाले पे मैंने ग्रीन वाले पे मैंने 2400 रुपीज़ पे करे हैं एंड ब्लू वाले पे 1100 रुपीज़ पे करे हैं. उस हिसाब से डबल से भी ज़्यादा है. तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ब्लू वाला ही लें, मिशो ऐप से ही लें, क्योंकि पहनने पे दोनों की लुक बहुत सिमिलर लग रही है. बहुत डिफरेंस पहनने के बाद मुझे नहीं लगी. हाँ, कपड़े अगर आप फील करोगे सामने से तो आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगी, बट पहनने पे डिफरेंस बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है. और 1100 रुपीज़ में मुझे ये इसलिए पड़ी है क्योंकि इस पे मैंने ब्लू कलर चूज़ करा है. आप अगर कोई नॉर्मल कलर लाइक ब्लैक, रेड या वाइट चूज़ करोगे तो 850 रुपये में भी आपको मीशो में मिल जाएगी. बट कलर अगर आप जस्ट स्क्रॉल करोगे आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो आपको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा. सो 1100 रुपीज़ मैंने इस ब्लू वाले का पे करा है. घेर बिल्कुल सेम है, पहनने पे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ऑसम कलर लग रही है. दुपट्टा भी बिल्कुल सेम है एंड मैंने इसे वाइट प्लाजो के साथ पेयर किया है. वाइट प्लाजो आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन से सूट सेट में मुझे मिली. एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर ले. और अगर आपको ये ग्रीन वाले का लिंक चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मैं ऑलरेडी इसका हॉल बना चुकी, वो भी आप एक बार चेक करके कंपेयर खुद से भी कर लें. बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा कम प्राइस में ही लें, थोड़ा सा मटेरियल से कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में ये मिल जाएगी. सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी एंड इस पर बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी है. एंड ब्लू वाले पे मेरा साइज़ मीडियम है. कुर्ती सेट मेरी ये है येलो कलर की, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर है एंड उसका जो चिकनकारी वर्क है वो बहुत ऑसम है. वी नेक के साथ है, साइड में बहुत सारे बटन्स बने हुए हैं जो कि फेक बटन्स ओपन नहीं होते, साइड स्लिट के साथ है. सो मुझे ये स्लिट बहुत अच्छी लगी एंड साइड में ये लंबी चौड़ी सी बॉर्डर के साथ आप देख सकते हैं भर भर के काम की हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है. एंड येलो कलर है इसलिए मुझे और भी ज़्यादा पसंद है. एंड इस पर मैंने पेयर करा है ये शरारा, जो ऑलरेडी मेरे पास पहले कोई सूट सेट की पड़ी हुई थी. एंड बेस्ट पार्ट है इसकी स्लेट और इस पे मैंने खुद का इनर बनाया है. इस पे मैंने इनर के साथ नहीं खरीदा था, ये मुझे पड़ी 850 रुपीज़ की, बट अभी आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई है. सो इनर इस पे मैंने आगे से लो और पीछे से लॉन्ग बनाया है. अप्रॉक्स मुझे 100 रुपीज़ लगी थी इसके कपड़े की और इसे मैंने घर पे स्टिच करा है तो मुझे थोड़ी सी सस्ती पड़ गई. एंड सामने से लो है और पीछे से हाई इनर है तो इसकी वजह साइड स्लिट की वजह से मैंने ऐसे बनाया. आप पूरा फुल भी बना सकते हैं जहाँ तक कट आती है. और ये कुर्ती सेट मुझे बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी, मेरी फेवरेट कुर्ती सेट है ये. एंड इसे आप इसे कोई भी पार्टी में भी आराम से वेयर कर सकते हैं, हील्स के साथ, बहुत अच्छी ज्वेलरी के साथ. तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी. इस पर और भी कलर ऑप्शन है, वो एक बार आप चेक कर लें. एंड इस पर मेरा साइज़ मैंने मीडियम मंगाया था, बट अभी जो आपको दिख रहा है वो लार्ज साइज़ है. अभी इससे मैंने फिटिंग नहीं कराई है, मैं कुछ टाइम के बाद फिटिंग करा के पहनूंगी. थोड़ा मैं लूज़ पहनकर इंजॉय कर ले रही हूँ क्योंकि मैंने मीडियम मंगाया था बट उन्होंने लार्ज भेज दिया. तो साइज़ की बहुत ज़्यादा पंगा है ये चीज़ का, आप ज़रूर से ध्यान रखें. नेक्स्ट कुर्ती जो है मेरी वो ये पर्पल कलर की कुर्ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस कलर लग रही है ये. एंड इस पर फुल कुर्ते पे वर्क आ रही है, साइड स्लेट के साथ है. एंड इस पर मैंने प्लाजो वेयर करा है जो कि मुझे दूसरे कुर्ती सेट में रिसीव हुई थी. सो फुल काम है इस पर एंड बहुत ही खूबसूरत कलर है. इस पर भी मैंने इनर नहीं मंगाया है, इस पर मैंने एक स्पेगेटी वेयर करा है. कुछ टाइम में मैं इसका भी इनर स्टिच कराऊंगी क्योंकि मुझसे गलती हो गई, कुर्तीज़ जितनी भी
ऑर्डर करो, इनर के साथ ही ऑर्डर करो। बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल, आप इसका वर्क देख सकते हैं कि बहुत सुंदर और बहुत ही डिफरेंट वर्क मुझे लगी, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, पहनने में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। एंड इस पर मैंने मीडियम साइज़ मंगाई थी और मीडियम ही मुझे रिसीव हुई है। एंड ये कुर्ती मुझे बड़ी है 800 रुपीज़ की, जो कि उस टाइम अभी आपको ये 700 रुपीज़ की मिल जाएगी अप्रॉक्स, और पहनने पर बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। हाईली रिकमेंड करूँगी मैं ये कलर। To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Next, मेरी ये ब्लैक कलर की चिकनकारी कुर्ती है जिसपे भर भर के वर्क किया हुआ है, और फुल वर्क वाली कुर्ती है ये, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट की कॉम्बिनेशन है, बहुत गॉर्जियस लग रही है। एंड इसमें मैंने मीडियम साइज मंगाई थी, बट मुझे एक्सेल साइज रिसीव हुई है, बहुत लूज हो रही है मुझे। बट ये अगर आप फिटिंग वाले पहनोगे तो बहुत औसम लगेगी, कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट है, वर्क बहुत परफेक्ट है। बाकी चिकनकारी कुर्ती में थोड़ा बहुत आपको धागा अंदर की तरफ से निकला हुआ नजर आएगा, बट इस पर बहुत ही नीट एंड क्लीन काम है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा है 990 रुपीज़ विथ स्लिप, ये इनर के साथ मैंने लिया है। एंड इनर की मटेरियल जो है वो 40 to 50 रुपीज़ जो मार्केट में कॉटन की मटेरियल मिलती है, वो बिल्कुल ऐसी मटेरियल है, बहुत ज़्यादा औसम नहीं है बट बहुत बुरी भी नहीं है। एंड लेंथ भी बहुत अच्छी इनर की दी हुई है, बस कुर्ती से थोड़ी सी कम है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, पहनने पे ऐसे फुल चिकनकारी बहुत औसम लग रही है। कॉलेज के लिए आप जीन्स और ब्लैक ट्राउजर पर भी पहन सकते हैं, या फिर पार्टी के लिए आप किसी शरारा पर पहन सकते हैं, तो दोनों तरीके से वेयर कर सकते हो। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट जो मेरी कुर्ती है वो सेट है, मैंने एक ही सेट मंगाया है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे पे वेयर कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एक ही सेट मंगाया है। कुछ इस तरीके से इस पे गोटा पट्टी डिटेलिंग नेक में दे दी है, इसलिए कुर्ती ज़्यादा ही गॉर्जियस लग रही है। एंड कलर बहुत खूबसूरत है, बट इस पे मैंने ब्लू कलर मंगाया था एंड मुझे रिसीव हुई है ग्रीन कलर। सो कलर की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। एंड कुछ इस तरीके से इसकी वर्क है, जो कि आपको बॉर्डर पे नीचे एंड साइड पे वर्क मिलेगी, जो कि बहुत ऑसम लग रही है। एंड गोटा पट्टी डिटेलिंग के साथ है ये। तो ये जो गोटा पट्टी डिटेलिंग के साथ है, मैं इसे सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है। एंड इसके साथ ये प्लाजो मुझे मिली है, कुछ इस तरीके से है, दोनों तरफ इलास्टिक है, और इसका जो प्लाजो है उसकी थ्रेड वर्क कुछ ऐसे इस तरीके से आती है। सो पहनने पे ये प्लाजो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसके जो अंदर के इनर है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। बट मुझे मिली है 1000 रुपीज़ की, 1000 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी सेट मिली, क्योंकि सेट के साथ जो है वो 1000 रुपीज़ में ही आपको मिल रही है। बट इस पर कोई भी इनर नहीं मिली है ग्रीन कुर्ती पे, सो इस पर मुझे खुद का इनर लेके ही स्टिच कराना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इस तरीके का प्लाजो नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक सेट आप ज़रूर लें जिसपे आप बहुत सारी कुर्तीज़ पे आप वेयर कर सकते हैं। एंड मैं इसे 100% रिकमेंड करूँगी, ये डिज़ाइन और ये पैटर्न बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस पर मैंने मंगाया है मीडियम साइज़ एंड ये मुझे मीडियम ही रिसीव हुई है। See this too. When you want to get off the
नेक्स्ट कुर्ती मेरी ये रेड कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती है एंड इस पे आपको ये डिफरेंट कलर्स भी मिलेंगे लाइक येलो एंड ग्रीन पूरे नेकलाइन पे है, देन वाइट पूरी चिकनकारी वर्क है, साइड पे बॉर्डर पे भी आपको रेड एंड ग्रीन का येलो का कॉम्बिनेशन मिलेगा। एंड इस पे मैंने मंगाया है मीडियम साइज़ जो कि मुझे परफेक्ट साइज रिसीव हुई है एंड ये कुर्ती मुझे पड़ी है अप्रॉक्स 800 रुपीज़ की। एंड इस पे मैंने पिंक कलर मंगाया था जो कि मुझे रेड कलर रिसीव हो गई, बट मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगी एंड इस पे मैंने खुद का इनर वेयर करा, मेरे पास ऐसे रेड कलर का इनर था तो वो मैंने वेयर करा है। सो इसको मैंने आपको दो तरीके से दिखाया, लाइक आप अगर न्यूली मैरिड हो तो विथ रेड बैंगल्स एंड इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगेगी। एंड अगर आपको कैजुअल डे पे पहनना है तो भी आप इसे कोई भी प्लाजो के साथ या जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे ब्लैक प्लाजो के साथ वेयर करके दिखाया क्योंकि मुझे सेम कम्फर्टेबल लगा ब्लैक प्लाजो के साथ भी। सो कुर्ती बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है, फुली वर्क चिकनकारी वर्क है जो कि बहुत ऑसम लग रही है, कम्फर्टेबल है बहुत एंड कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी डिफरेंट डिफरेंट, लाइक आप इसे येलो प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हैं, विदाउट दुपट्टा भी ये बहुत ऑसम लगेगी एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। इसमें भी कलर ऑप्शन आपको बहुत मिलेंगे। तो मेरी लास्ट कुर्ती ये ग्रे कलर की कुर्ती है जो कि मैंने इसे इनर के साथ मंगाया है एंड इसका प्राइस 850 रुपीज़ मुझे पड़ी है एंड इस पर मैंने मीडियम मंगाया था बट इस पर मुझे लार्ज साइज रिसीव हुई है तो थोड़ी सी मुझे लूज़ हो रही है, बट मुझे लूज़ काफ़ी पसंद है इसलिए मैंने इसे लूज़ पहना है। सो इसका डिज़ाइन बहुत सिमिलर है ग्रीन वाले के डिज़ाइन पे, बस उस पर गोटा पट्टी वर्क था, बस इस पर गोटा पट्टी वर्क नहीं है, ये प्लेन है। एंड इनर भी सेम आपको ब्लैक जो मैंने बताया मटेरियल सेम वैसी मटेरियल की मिलेगी 40-50 रुपीज़ मीटर वाली एंड कुर्ती से थोड़ी सी छोटी है इनर, तो काफ़ी अच्छी इनर भी है इसकी एंड पहने में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत गॉर्जियस लग रही है। सो इस पे मैंने पेयर करा है ये पिंक दुपट्टा क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे कोई भी वाइट शूज़ या जूती कुछ भी अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सामान घर लेकर नहीं आई हूँ। सो ये कलरफुल मोजे के साथ मैंने पेयर करा जिसके साथ वाइट पिंक दुपट्टा बहुत अच्छे से कॉम्बाइन कर रहा था एंड कोई भी डल कलर पर अगर आप थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हो तो वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस भी लगती है। सो मुझे पिंक के साथ ये बहुत ऑसम लगी एंड आप इसे वाइट दुपट्टा के साथ विथ जीन्स विथ प्लाजो या विदाउट दुपट्टा भी पेयर कर सकते हैं। सो मैं इस कलर को भी हाईली रिकमेंड करूंगी, मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड सब कुछ परफेक्ट निकला, लाइक इस पर लार्ज साइज मुझे थोड़ी लूज अच्छी लगी एंड डिज़ाइन कलर सब कुछ बहुत परफेक्ट है। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। Straight down, earth from a bird's eye. आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ एंड डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आपको चिकनकारी में दिखाए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करना, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज़।